अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है लिमिट ए से बी कॉस एक्स डी एक्स एज लिमिट ऑफ सम। पिछला क्वेश्चन साइन एक्स का था, इस बार क्वेश्चन कॉस एक्स का है। यहां पर भी स्टार्टिंग हम करेंगे आई इज इक्वल टू ए से बी कॉस एक्स डी एक्स। यहां पर क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, लोअर लिमिट जिसे हम ए बोलते हैं वो हमारा ए है, अपर लिमिट जिसे हम बी बोलते हैं वो हमारा बी है, और हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है यहां पर कॉस एक्स है। हम n की वैल्यू निकालते हैं b माइनस ए अपॉन h करके, b और a तो वही है तो ये वही रहेगा, h को जब इधर शिफ्ट कर दिया तो nh इज इक्वल टू b माइनस a आ गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सम, ये हमारा डेफिनेशन था, ये पुराना डेफिनेशन है। इसके बाद हमें f a की वैल्यू चाहिए, a लोअर लिमिट है जो कि a ही है, तो f a कहाँ से पता चलेगा, यहाँ एफ एक्स से पता चलेगा। x की जगह पर जब आप a पुट करेंगे तो आपका ये एफ ए बनेगा, यहां अगर आप a पुट कर रहे हैं तो यहां पर भी a पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos a। ये एफ ए की वैल्यू आ गई cos a। अब हमें निकालना है एफ ए प्लस एच, तो इस x की जगह पर आप a प्लस एच रखेंगे तो यहां पर भी x की जगह a प्लस एच रखना है तो हमारा आ जाएगा cos a प्लस एच। ठीक इसी तरह से एफ ए प्लस टू एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस x की जगह पर a प्लस टू एच रखेंगे तो यहां पर भी x की जगह पर a प्लस टू एच आएगा, और फिर लास्ट में हम एफ ए प्लस एन माइनस वन एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां a प्लस एन माइनस वन एच रखेंगे तो यहां पर भी a प्लस एन माइनस वन एच आएगा जो कि ये है। अब इसे अगर आपने लिखा तो ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने कॉस का फॉर्मूला देखा था, कॉस का सीरीज आपने देखा था कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस टू एच से लेकर कॉस ए प्लस एन माइनस वन एच तक, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस कर्ली ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस वन बाई टू एच इंटू साइन एन एच बाई टू अपॉन साइन एच बाई टू। सेम वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर देना है, हमने अभी अभी यही फॉर्मूला देखा था इसका। ये लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच हमारा वैसे ही है, हमने फॉर्मूला पुट कर लिया। फिर क्या करते थे, यहां हम टू बाई टू से मल्टीप्लाई करते थे। अब पता चला कि ये टू बाई टू से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि यहां नीचे में ध्यान से देखिएगा साइन एच बाई टू है, साइन का जो एंगल है वही हमें यहां पर से चाहिए ताकि हम इसको इधर शिफ्ट कर सकें। अब हमने यहां के h बाई टू को यहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां के h बाई टू को यहां शिफ्ट करने के बाद ये जो टू है ये हमारा वैसे ही है। अब आइए, ये जो आपका h था इस h को आपने अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देना है। h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच माइनस एच अपॉन का टू, सेपरेट करेंगे तो एन एच बाई टू माइनस एच बाई टू आएगा। NH की वैल्यू देखिए आपको यहां पर पता है b माइनस ए, तो इस NH की जगह पर आपने b माइनस ए पुट कर देना है। बाकी सेम सारा चीज वैसे का वैसे ही है, NH जहां जहां पर दिख रहा था वहां पर हमने b माइनस ए पुट कर दिया, बाकी सारा चीज वैसे ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर फिर वापस से समझिए, यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए बाई टू जो है केवल इस वाले इलाके को आप एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, 2a प्लस बी माइनस ए अपॉन का 2 आएगा तो 2a माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 बचेगा। ये यही चीज हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है। लिमिट h टेंस टू जीरो टू कॉस करली ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन टू माइनस एच बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू होल अपॉन में साइन h बाई टू अपॉन का h बाई टू है। ये लिमिट h टेंस टू जीरो जो है अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाले हिस्से के बारे में सोचिए कि ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने आप में कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने आप में वन हो जाएगी। ये अगर वन हो गई तो ये तो हट गया, और जहां जहां आपको एच दिख रहा है उस एच की जगह पर आपको जीरो पुट कर देना है। एच आपका एक ही जगह दिख रहा है, यहां जीरो पुट करिएगा तो जीरो अपॉन टू जीरो,
a प्लस बी अपॉन टू माइनस जीरो, केवल a प्लस बी अपॉन का 2 बचेगा, ये हमारा बच गया 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये आपको 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, 2 cos a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होता है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका a है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका b है। सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूले पर रख के, सॉल्व करने पर ये कुछ सॉल्व होकर इस तरह से बनता बनता लास्ट में आपका i इज इक्वल टू साइन बी माइनस साइन ए आएगा, यही है आपका फाइनल आंसर।